हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। एंड आज मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आया हूँ। एक मशीन पे बेस्ड वीडियो है, जिस मशीन को हम लोग ग्रेडर मशीन बोलते हैं। एक्चुअली ये मशीन सॉइल या फिर मोरम ग्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि ये ग्रेडिंग होता क्या है और सॉइल ग्रेडिंग या मोरम ग्रेडिंग कैसे करते हैं, और साथ साथ इस मशीन को भी कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसका फंक्शन क्या है, और फील्ड पे कैसे इसको अलग अलग काम के लिए इसको यूटिलाइज करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले, सिर्फ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने कहीं पे कटिंग या फीलिंग में काम किया होगा, या फिर कहीं ऐसा होगा कि जहां आपको सॉइल की ग्रेडिंग करनी है, सॉइल ग्रेडिंग करने का ये मतलब होता है कि उसके टॉप मोस्ट लेयर को आप अच्छे से फिनिशिंग दो। अब फिनिशिंग देने का यहां पे मतलब क्या हो जाता है? फिनिशिंग का मतलब ये हो जाता है कि आप मान लो कि आपका थ्रू आउट बेड 10 मीटर का है, मतलब आपने 10 मीटर का फिलिंग करके और आपका ऊपर का जो सरफेस आया है उसकी जो विथ है वो 10 मीटर है, लेंथ आप कुछ भी कर लो, विथ आपका 10 मीटर है, ठीक है। ये टॉप मोस्ट लेयर है। अब क्या होगा कि एक रेफरेंस के हिसाब से अपना आप लेयर बना रहे होगे ना, कि इस रेफरेंस के हिसाब से मेरा जो टॉप मोस्ट लेयर आने वाला वो 2 मीटर ऊपर आने वाला, थ्रू आउट बेड क्या रहेगा, 2 मीटर ऊपर रहेगा। ओके, तो आप चलो अब 2 मीटर ऊपर चले गए, लेकिन अब 2 मीटर ऊपर जाने के बाद ये तो मिट्टी है, तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा जो आपका बेड होगा वो बस 2 मीटर पर होगा। क्या होगा, कहीं डाउन हो गया होगा, कहीं अप हो गया होगा। तो ये ग्रेडर मशीन क्या करता है कि आपका जो रिक्वायर्ड फॉर्मेशन लेवल से जो भी आपका हाइट रहेगा थ्रू आउट बेड का, लाइक आपका थ्रू आउट बेड पूरा का पूरा बेड आपका क्या है कि 2 मीटर ऊपर रहने वाला आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो ये ग्रेडर मशीन क्या करता है कि उसको 0-0 में ले आता है। मतलब आपका परफेक्ट पूरा का पूरा बेड आपका क्या हो जाएगा कि 2 मीटर हाइट पर रहेगा। मतलब ये रहेगा कि अगर कहीं पर मान लो कि 2 मीटर से ज़्यादा 3 मीटर है, तो ये ग्रेडर मशीन क्या करता है, उस तीन मतलब अगर 1 मीटर हाइट मतलब ऊँचा हो गया 1 मीटर, या उससे नीचे भी आ जाओ कि आपकी 200 mm अप है या 300 mm अप है, वो क्या करेगा, थ्रू आउट बेड को एक लेवल में ले आएगा। मतलब इतना शानदार तरीके से वो लेवल में आता है कि आप 0-0 हो जाएगा। मतलब ये कि आपका फॉर्मेशन लेवल से अगर आपका हाइट 2 मीटर आपको चाहिए तो एग्जैक्ट आपको 2 मीटर वहाँ पे हाइट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे जो मशीन यूज़ करनी होगी वो आपको ग्रेडर मशीन यूज़ करना होगा, क्योंकि इसके ब्लेड जो होता है वो ब्लेड मतलब सॉइल को ईजली और थ्रू आउट सेक्शन में इसको काटने में हेल्प करता है। वहीं अगर आप जेसीबी अगर यूज़ करते हो, बहुत जगह जेसीबी, लेकिन जेसीबी से कभी भी थ्रू आउट लेवल में नहीं आता है क्योंकि उसका ब्लेड वैसा है ही नहीं। इसका ब्लेड इसी चीज़ के लिए बना हुआ है, इसका ब्लेड का जो चौड़ाई होता है वो लगभग 8 मीटर होता है, तो 8 मीटर में अगर आप ब्लेड को सेट कर दोगे रिक्वायर्ड हाइट के ऊपर में, तो उतने के ऊपर में अगर जितना भी मिट्टी आ रहा है तो वो उसको काटता हुआ चला जाएगा। बस आपको ये करना है कि एक सर्वे टीम वहाँ पे अवेलेबल रहती है और वो हर जगह ग्रेडिंग करने के बाद वहाँ पे पॉइंट चेक करती है, और चेक करने के बाद अगर उसको ये लगता है कि इस जगह पे इतना हाइट ज़्यादा हो रहा है, तो वो बस अपने ब्लेड को थोड़ा सा शिफ्ट करेगा ऊपर, जितना भी मान लो कि 500 mm है तो वह 500 mm अपने ब्लेड को ऊपर शिफ्ट करेगा, और फिर क्या करेगा, वो ग्रेडिंग करता हुआ चला जाएगा। उससे क्या हुआ कि आपका जो 500 mm का जो ऊपर चला गया है, मिट्टी ऊपर है ज़्यादा है, वो उसको क्या कर देगा, बहुत ही ईजली ग्रेड कर देगा, फिर आपको वहाँ पे 0-0 मिल जाएगा। यहाँ हमारे रेलवेज़ के काम में हम लोग थ्रू आउट हर 20 मीटर पे क्या करते हैं कि एक अगर हमें कोई स्टिक मिल गया या फिर कोई रॉड मिल जाता है, उस रॉड को वहाँ पे गाड़ देते हैं और उसमें हम लोग मार्किंग कर देते हैं कि हमें अपने बेड को इतना ऊपर लेकर जाना है, और हम लोग 100 mm क्या करते हैं उस मार्किंग से 100 mm थोड़ा ऊपर रखते हैं, इसलिए क्योंकि मशीन चलता है या रोलर चलता है तो उसमें वो आपका सेटलमेंट भी होता है, थोड़ा सा दबता भी है मिट्टी, तो एग्जैक्ट करने से क्या हुआ कि आप ऊपर वाला तो काट सकते हैं ग्रेडिंग से, लेकिन अगर कम हो गया तो वो तो कटेगा नहीं, फिर आप लेवल लोगे तो मालूम चलेगा कि इतना डाउन हो गया है। डाउन होने से क्या होता है ना कि आप पे ऊपर से फिर एक लेयर डालना होगा मिट्टी का, या अगर मोरम का कोई भी लेयर है तो आपको फिर से डालना होगा, और फिर अगर वो लेयर अगर पतला हो जाता है, लाइक 50 mm का लेयर है या 100 mm का लेयर है, तो वो दोनों स्टिक नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 100 mm ऊपर लेके चलते हैं। इससे क्या होता है कि जब ग्रेडर चलता है तो हमें कटिंग का ऑप्शन आता है, फिलिंग नहीं चाहिए होता है, कटिंग है तो वो ग्रेडर मशीन आराम से उसको क्या कर देगा, कट कर देगा। कि जैसे यहाँ पे क्या है कि हमने ग्रेडियंट प्रोवाइड किया है, मतलब कि हमारा बेड जो है वो एक साइड डाउन है, झुका हुआ है,
एक तरफ रेलवे है, रेलवेज का लाइन है, या दूसरी तरफ एक मतलब आपका खेत के जैसा है। तो यहाँ पे हमने खेत की तरफ क्या कर दिया है, फील्ड की तरफ इसको थोड़ा सा डाउन रखा है, इसलिए कि अगर पानी आता है तो वो क्या होगा कि बेड से होते हुए चला जाएगा सीधा आपके फील्ड में, मतलब वो बेड पे नहीं रुकेगा। तो ये स्लोप बनाने में भी क्या है कि आपका जो ग्रेडर मशीन है उसको बहुत आसानी से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो ब्लेड होता है वो एक तरफ टिल्ट हो जाता है और बहुत आसानी से आप रिक्वायर्ड ग्रेडियंट जो भी आप उसको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा वीडियो बनाया है ग्रेडर के ऊपर में। थैंक यू।